रोज बादाम खाने से क्या होता है? अफ्रीका में पैदा होने वाले बच्चे के दांतों का रंग कैसा होगा? व्हाइट ही होता है। व्हाइट? अब ब्लैक तो नहीं हो सकता। मुर्गी अंडा देती है, बकरी दूध देती है, वो कौन है जो दोनों देता है? अफ्रीका में पैदा होने वाले बच्चे के दांतों का रंग कैसा होगा? सफेद। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सब भी ठीक है? मिजाज खैरियत है? खैरियत है। क्या करने आए हैं यहाँ पे? एंजॉय करने आए हैं बच्चों के साथ। अच्छा, बच्चों के साथ एंजॉय करने। क्या नाम है आपका? मरियम। कॉमन सेंस के हवाले से क्वेश्चन पूछ ले। अफ्रीका में पैदा होने वाले बच्चे के दांतों का रंग कैसा हो? सफेद। सफेद। अफ्रीका में पैदा होने वाले बच्चे के दांतों का रंग सफेद। उनका रंग काला नहीं होता? उनकी स्किन का कलर ब्लैक होता है, लेकिन उनके दांतों का कलर तो व्हाइट ही होता है। हाँ, यानी वहाँ पे जो बच्चा पैदा हो गया उसके दांतों का कलर व्हाइट होगा। जी सारी बात है, उनके स्किन का जो टेक्सचर है वो ब्लैक है, उनकी जो वहाँ के एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से, लेकिन उनके जो टीथ का कलर वो तो एब्सोल्युटली व्हाइट ही होगा ना। हाँ हाँ, माशाल्लाह। बातों से लग रहे हैं काफी पढ़े लिखे। कितना पढ़े, स्टडी कितनी आपकी? मैं BS क्लिनिकल साइकोलॉजी कर रही हूं। अच्छा, माशाल्लाह। कौन सी यूनि से? वर्चुअल यूनिवर्सिटी से। अच्छा, एक मतलब फिर मैं सवाल को दोहराता हूँ कि अफ्रीका में पैदा होने वाले बच्चों का रंग कैसा होगा, बच्चों के दांतों का रंग कैसा होगा? मेरी नॉलेज के मुताबिक तो व्हाइट ही होगा। व्हाइट ही होगा। अच्छा, बच्चे के दांत होते हैं? इन्फेंट जो है उनके नहीं होते, लेकिन चाइल्ड का मीनिंग है बच्चे, तो चाइल्ड के तो होते हैं। नहीं नहीं, बच्चे जो पैदा होने वाले बच्चे, पैदा होने वाले बच्चे को चाइल्ड नहीं कहते, उसे इन्फेंट। मैंने आपको कहा है अफ्रीका में पैदा होने वाले बच्चे के दांतों का रंग कैसा होगा? पैदा होने वाले बच्चे का ना, जब बच्चा पैदा होता है उसे इन्फेंट कहते हैं, इन्फेंट न्यू बोर्न होता है, तो उनके दांत होते हैं। यू कैन सी माय चाइल्ड हैविंग टीथ। उनके दांत होते हैं? नहीं, उनके नहीं होते। तो बस फिर उनके दांत होते हैं क्या? अच्छा, वो कौन सा समंदर है जिसमें पानी नहीं होता? समंदर में तो पानी होता ही है। कई समंदर है, वो कौन सा समंदर है जिसमें पानी नहीं होता? चले एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि आपने माशाल्लाह BS कर रही है, अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। एक गवाला है, दूध वाला है, उसके पास 40 लीटर दूध है जी। कितना? 40 लीटर दूध है उसके पास। दूध मापने के दो बर्तन है, एक एक लीटर वाला है, सॉरी एक 5 लीटर वाला है और एक 3 लीटर वाला है। उसने ग्राहक को 1 लीटर दूध देना है, कैसे देगा? एक 5 लीटर वाला, एक 3 लीटर, एक 3 लीटर वाला, तो 40 किलो उसके पास। हाँ, दोबारा सुन ले, एक दूध वाला है, उसके पास 40 किलो दूध है टोटल, उसके पास दूध मापने के दो बर्तन है, एक 5 किलो वाला, एक 3 किलो वाला। उसने ग्राहक को 1 किलो दूध देना है, कैसे देगा? पहले वो एक 5 किलो में मापेगा, उसमें से 3 किलो उसमें डाले, 3 किलो वाले में डालेगा। हाँ। 5 किलो वाले से 3 किलो में डालेगा। हाँ। फिर 3 किलो वाले में से हाफ कर लेगा। कैसे? ये नहीं पता है। नहीं, इसका आंसर नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मैम? अल्लाह का शुक्र, तबीयत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहने हैं यहाँ पे? कुछ भी नहीं है, अचानक हम लोग अक्सर आते होते हैं रेस कोर्स पार्क में तो जॉगिंग के लिए। अच्छा, तो अभी एंटर हुए तो एंट्री के फौरन बाद ही पता चला कि यहाँ पे कुछ ऐसे मेले का सा समा है, तो एंटर हुए तो हमने कहा अच्छा कुछ खाते भी हैं, तो कुछ एक्सप्लोर कर रहे थे, तो मीनवाइल प्रॉपर पता चला कि गवर्नमेंट की तरफ से इस एरिया में जो है ये सारा सेटअप लगाया गया है बकायदा, जस्ट टू प्रमोट के जैसे बाहर के मौसम में लगता होता है। तो ये अच्छी बात है कि लोकल कल्चर को डेवलप किया जाए और उसको प्रमोट किया जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए, लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया जाए। बिल्कुल, तो हमें आगे बड़ा अच्छा लगा, बच्चे बहुत अच्छा इंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है आपसे करूँ, आप अगर कहें तो बताइए। रोज बादाम खाने से क्या होता है? समझ ही बढ़ती है, लोग ये कहते हैं, लेकिन जाहिर बात है एक रोज बादाम खाने से क्या होता है? नहीं, मुझे नहीं आइडिया। दोबारा सोच के। अच्छा, वो डिटेल्स पूछ रही हैं आप। रोज बादाम खाने से क्या होता है? नहीं नहीं, रोजाना, यानी रोजाना डेली? नहीं, डेली बादाम खाने से क्या होता है? नहीं, ये आप मुझसे ये सवाल पूछ रहा हूँ ना। हाँ, ये स्ट्रेट क्वेश्चन है कि ये वैसे है? सीधा क्वेश्चन है, बिल्कुल साफ, सीधा साफ क्वेश्चन है। याददाश्त अच्छी रहती है? याददाश्त अच्छी रहे इसके लिए खाया जाता है, और ये नहीं मुझे पता कि अब अगर लिटरली आप खाने का पूछ रहे हैं तो तब तो यही जवाब है। रोज बादाम खाने से बादाम खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है मैम? ठीक है। अच्छा, क्या करने हैं आप?
घूमने फिरने आए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बाहर निकले थे तो यहाँ आके पता चला कि एक मेला लगा हुआ है, तो हमने कहा चलो हम भी देखते हैं क्या और है मेले में। अच्छा, अफ्रीका में पैदा होने वाले बच्चे के दांतों का रंग कैसा होगा? व्हाइट ही होता है। व्हाइट, अब ब्लैक तो नहीं हो सकता। अफ्रीका में पैदा होने वाले बच्चे के दांतों का रंग कैसा होगा? अफ्रीका में अफ्रीकी होगा तो भी व्हाइट ही होंगे, किसी और कंट्री का होगा तब भी व्हाइट होंगे। वो कह रहे हैं, मतलब दोबारा सुन ले क्वेश्चन। अच्छा, कि अफ्रीका में बच्चा पैदा हुआ है, अच्छा, उसके दांतों का रंग कैसा होगा? व्हाइट ही होगा ना। व्हाइट होगा, उसके दांत है ही नहीं। राइट आंसर। ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात की है। अच्छा, अब आप एक क्वेश्चन का आंसर दें मुझे कि एक गवाला है, उसके पास 40 लीटर दूध है, 40 किलो दूध है उसके पास। दूध मापने के दो बर्तन है, एक 5 किलो का है, एक 3 किलो का है। उसने ग्राहक को 1 किलो दूध देने कैसे देगा? 3 किलो में थर्ड पार्ट दे देगा। कैसे? उस वो बाल्टी है उसके पास, उसके ऊपर कोई मेजरमेंट नहीं है, लिखा नहीं हुआ कोई भी। 1 किलो दूध देना। एक दूध वाला है, उसके पास टोटल 40 लीटर दूध है। उसने अपने ग्राहक को 1 किलो दूध देना है, लेकिन उसके पास दूध मापने के दो बर्तन है, एक 5 किलो वाला, एक 3 किलो वाला। 1 किलो कैसे देगा? ये एक लंबा जवाब है इसका। नहीं, बिल्कुल छोटा सा जवाब है। सॉरी, आई एम सॉरी। आप जो बर्तन वो लाया होगा उसमें दे दे। नहीं नहीं, वो उसके पास मुश्किल सवाल कर रही है। वो देगा। अच्छा, जान सुने ना। अच्छा, चले चले, आप आपसे एक और इजी सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं। एक इजी सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं। मुर्गी अंडा देती है, बकरी दूध देती है, वो कौन है जो दोनों देते हैं? दुकानदार। दुकानदार। क्या कहने, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।